ये कितने में है? ये सिर्फ 40 रुपए का है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो मैं कम नहीं लगा दूंगा। ठीक है पापा, मुझे यही वाला चाहिए। चलो चलो रजत, पटाखे जला रहे हैं। तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें पटाखे जला दिए, ये होगी ना बात। चलो पटाखे फोड़ दे। बेटा तुमको क्या हुआ? अंकल, इसके हाथ में पटाखा फूट गया। कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर प्लीज जल्दी आ जाइए। इसे क्या हो गया? इसके हाथ में पटाखा फूट गया है। चलो बेटा, तुम्हें मैं इन पटाखों के पीछे का रहस्य बताता हूँ। पापा, यह बच्चे पटाखे फोड़ने और खेलने के बजाय काम क्यों कर रहे हैं? बेटा, यह तुम यहीं से पूछ लो। तुम पटाखे फोड़ने और खेलने के बजाय काम क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कुछ पैसे कमाने के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ। पापा, मुझे इनके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन
जिन पैसों से पटाखे खरीद कर पर्यावरण को दूषित करते हो, तुम उन पैसों से इन बच्चों की मदद कर सकते हो। ठीक है पापा, अब मैं समझ गया। We have understand something. As we see that it was an amazing act, and through this, we have understand that in this Diwali or in every Diwali, we don't have to buy crackers. We only have to do that thing that we have to use that money for giving someone, because there are some people in our country, because of their economic condition, they can't celebrate Diwali. होने चाहिए तो पहले।